मोदी मोदी कीजिएगा। मोदी नहीं करूंगा, नहीं कीजिएगा। 24 में हाथ का पंजा आएगा। कांग्रेस कुछ करेगा यहाँ? कांग्रेस का बनाया हुआ 75 साल में कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 9 साल में मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। तो 75 साल नेहरू लूट लिए उधर सब। कौन कह रहा है 9 साल में जो मोदी ने लूट लिया, 75 साल में कहाँ लूट लिया? मोबाइल लो, इंटरनेट लो, सारी राजीव गांधी की चलाई हुई बता रहे मोदी जी मेरा चलाया हुआ है। मोदी जी का है, वो तो खोद जी देश को खोद दिया मोदी जी। क्या खोद दिया देश को? वही तो, देश को तो खोखला बना दिया, सबको बेच दिया। अब क्या कर बचेगा? 1200 का सिलेंडर आता है। मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी हम कभी नहीं करते। मोदी मोदी हमको खाने को दे रहा है क्या? चलो ठीक है, तो सब तो मोदी मोदी कर रहे हैं ना। सब कर रहे हैं, सब पानी में डूबेगा तो मैं पानी में थोड़ी नहीं डूब जाऊंगा यार। और दूसरा नेता कहता है मैं मन की बात आपके सामने करूंगा, वो कहते हैं मन की बात मैं रेडियो पे करूंगा। किसकी बात सुनूं? कौन कहता है कि मन की बात सामने सुनेंगे? राहुल गांधी बोलता है मन की बात मैं सामने सुनूंगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी कहते हैं मन की बात रेडियो पे सुनाऊंगा। पहले भी तो बनना चाहिए राम मंदिर, क्यों नहीं बना राम मंदिर? मंदिर से रोजगार मिलेगा इनसे पूछिएगा। रामलला का मन पहले सुनो, इनसे पूछो रामलला का मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? मंदिर क्यों नहीं बनवा पा? खाली रामलला हम जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तीन आ रहा है उसे पत्थर मार रहा है, वो आ रहा है उसे पत्थर मार रहा है। अभी क्या हो रहा है? पीएम हो रहा है, बालासोर में 3 ट्रेनें पलटी हैं। क्यों नहीं रेल मंत्री का इस्तीफा दिला दिया? आप लोग बीजेपी के बड़े भक्त बनते हो। जो हुआ नहीं इस्तीफा दिला, इस्तीफा। मोदी जी एक नंबर है, एक नंबर में तो उनकी कोई कमी नहीं है। अब बेशक कोई बुरा कहे भला करे उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। 15 लाख रुपए इनके खाते में है तभी मोदी जी का नाम ले रहे ना। कोई 15 लाख देगा न 15 लाख हम पाए। 430 वाला सिलेंडर ना चाहिए, 1200 वाला सिलेंडर चाहिए। 1200 जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, उनको 100 वाला पेट्रोल पसंद, 60 वाला नहीं पसंद है। ये मोदी जी के अंधभक्त है, अंधभक्त है, लोक की सरकार है अंधभक्त। अंधभक्त मतलब मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे हम। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त गुड़गांव में मौजूद है और यहाँ जो लोग फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल इनके लिए कैसा रहा, क्या आने वाले चुनाव 2024 में क्या कुछ इनका मुद्दा होगा। एक तरफ बिहार में विपक्षी एकता की बैठकें हो रही है, लगातार विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहे हैं, तो वैसे में एक आम जनता, एक आम लेबर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, वे क्या सोच रहे हैं? कंपनी में काम करने वाले फैक्ट्री लेबर क्या सोच रहे हैं? उनकी मुद्दा क्या होगा? वो किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे? तो आम बिल्कुल आम जनता से बातचीत कर लेते हैं। आप कितना कमा ले रही हैं अभी? हम कमा रही हूँ 11,000। तो कम है ना सैलरी? सैलरी कम है, ये घर का खर्चा कहाँ चल पाता है? अच्छा, महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। आपको महंगाई लग रहा है? क्या महंगाई है? तो महंगाई नहीं है, बोलते रहे लोग। मजदूर मजदूरी का बढ़ नहीं रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। पहले से तो ज्यादा कमाते हैं। तेल है, कितना कमाते हैं? पहले 5,000 कमाते होंगे, 20-25,000 कमाते हैं। हाँ, 50,000 कमाते हैं। मोदी जी आए हैं तो मोदी जी में कोई बदलाव नहीं आया? मोदी जी का है, वो तो खोद जी देश को खोद दिया मोदी जी। क्या खोद दिया देश को? वही तो, देश को तो खोखला बना दिया, सबको बेच दिया। अब क्या कर बचेगा? 1200 का सिलेंडर आता है। मोदी जी मोदी जी इतना मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं सब? वही तो बोल रहे हैं, मोदी मोदी सब कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। हम तो समझ देश को खोद ही कर दिया मोदी। आप मोदी मोदी नहीं करेंगे? हम क्यों करेंगे मोदी मोदी? आप बताइए कैसा रहा 9 साल? बढ़िया रहा, सही बढ़िया रहा है। महंगाई वगैरह रोजगार कुछ नहीं? महंगाई तो है ही, वो तो अभी किस चीज़ में महंगाई दिख रहा है? सारे चीज़ें महंगाई है, क्या नहीं है महंगाई? मोदी जी का कैसा 9 साल? बढ़िया है, बढ़िया है। आप बताइए कैसा रहा? बढ़िया रहा। आपके लिए कैसा रहा? अरे मोदी जी हो या कोई भी हो, सब वही है, बढ़िया। कोई कुछ नहीं है, बढ़िया। तो महिला कह रही है महंगाई से परेशान है। महंगाई से तो हम भी परेशान है, क्या हम भी परेशान है। बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटेक्निक, पैसा नहीं जुटता। मोदी मोदी से कर रहे हैं? मोदी मोदी हम कभी नहीं करते। मोदी मोदी हमको खाने को दे रहा है क्या? सब तो मोदी मोदी कर रहे हैं ना? सब कर रहे हैं, सब पानी में डूबेगा तो मैं पानी में थोड़ी नहीं डूब जाऊंगा यार। आपको मोदी पसंद नहीं? हमको मोदी वोदी कोई नहीं पसंद है, बस पेट पर जो जो दे रहा है रोजी रोटी उसी को पसंद है। राशन तो ले रहे होंगे ना? राशन ले रहे मोदी तो पूरे दुनिया को दे रहा है राशन। 2023 तक तो बिहार में पूरा फ्री कर दिया, बिहार सरकार बंद कर दिया। 24 में आ रहे हैं मोदी जी की जा रहे हैं? अब वो मोदी जी बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, या तो फिर जनता जो खड़ा है वो बताएंगे। दिया जाएगा उनसे, मोदी जी को 5 किलो राशन दिया जाएगा, 1 महीने खा लेंगे। अच्छा, 1 महीने में 5 किलो जो अगर वो खा लेंगे तो मैं भी खा लूंगा 5 किलो। राशन की चर्चा बहुत हो रही है, 5 किलो में अगर वो खा लेंगे एक आदमी, मैं भी 5 किलो में खाने के लिए तैयार हूँ। मोदी मोदी कीजिएगा। मोदी नहीं करूंगा, नहीं कीजिएगा। 24 में हाथ का पंजा आएगा। कांग्रेस कुछ करेगा यहाँ? कांग्रेस का बनाया हुआ 75 साल में कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 9 साल में मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। तो 75 साल नेहरू लूट लिए उधर सब। कौन कह रहा है 9 साल में जो मोदी ने लूट लिया, 75 साल में कहाँ लूट लिया? मोबाइल लो, इंटरनेट लो, सारी राजीव गांधी की चलाई हुई बता रहे मोदी जी मेरा चलाया हुआ है। किसका चलाया हुआ? आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो। कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने आधी रोटी खाते थे, ये आधी रोटी का जुगाड़ करके आज 4-4 रोटी खा रहे आदमी। ये कांग्रेस का ही देन है? बीजेपी का कोई देन नहीं? मोदी जी का कोई देन नहीं है।
कोई मोदी जी का कोई देन नहीं है। ये बताए, वो तो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दिए, डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने बनाया था, डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने बनाया था। डिजिटल इंडिया से बाद में ये कह रहे हैं हम तो न्यू इंडिया बनाएंगे। डंका जो बज रहा है विदेश में, विदेश में डंका बजने दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, डंका तुम्हारा भी बजेगा। अच्छा, पैसे पैसा और क्या। अच्छा, कांग्रेस और अभी में क्या फर्क देख रहे हैं? कांग्रेस बढ़िया सरकार थी। अच्छा, बढ़िया क्या? वो कांग्रेस गरीबों का सरकार, महंगाई वगैरह कम था, महंगाई कम था, हर तरह से सुविधा था भाई। ये 430 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था, तभी स्मृति ईरानी रोड पर लेकर सिलेंडर घूमती थी, कहती थी हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। आज स्मृति ईरानी नहीं दिखा रही, एक न्यूज में कहा 13 रुपए किलो चीनी बेची जाएगी, 13 रुपए किलो चीनी किसी नागरिक को मिल रही है। रामदेव जी भी कहते 35 रुपए पेट्रोल, तो 35 रुपए में किसी को मिल रहा है पेट्रोल? पहले आप बताइएगा, इस देश की जनता बता दे 35 रुपए में पेट्रोल है। महंगाई हो गया ठीक है, लेकिन देश हित में महंगाई झेल लीजिए। क्यों झेल लें? देश हित में नहीं झेलेंगे, देश हित में मोदी जी के लिए नहीं झेलेंगे। फिर मोदी जी जितना विश्व में काम कर दे, कि अमेरिका गए हुए थे, आप पहनो 10 लाख का सूट, कोई पहन ले 41,000 का सूट, उसे बता रहे हो 41,000 का सूट पहन के टी शर्ट घूम रहा है, और 10 लाख का सूट पहन रहे हो, आप उसको नहीं कह रहे हो? अच्छा, क्या कह रहे हो आप बताइए, कैसा रहा मोदी जी? भाई विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो ना, इतना डंका कैसे बज रहा है? अरे यार, जब बेरोजगारी इतनी देख रहे हो, पब्लिक कितना यहाँ बेरोजगार है, सब तो कमा रहा है फैक्ट्री से आ रहे आप लोग। अरे कमा रहा, 8 घंटे चल रही, क्या ज्यादा थोड़ी, पहले ज्यादा चलता था 12 घंटे। और बताइए कैसा रहा? मोदी जी फर्स्ट क्लास है एकदम, अभी आपकी हर बार हर जगह मोदी जी रहेंगे, मोदी हर घर घर मोदी है, आपके घर भी मोदी? मोदी नहीं, हमारे यहाँ साइकिल चलेगी 2024 में, उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगा, यहाँ मोदी चलेगा, मोदी साइकिल चलेगा 2024 में, 80 के 80 जीतेंगे, मोदी मैजिक चलेगा कि इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आसान है मोदी को रोकना? हाँ आसान है, दिल्ली यूपी का रास्ता दिल्ली के लिए तय किया जाता है। यूपी क्या मूड में है? यूपी अब बदलाव के मूड में है। हरियाणा क्या मूड में है? हरियाणा बहुत बेकार है, बेकार है। हरियाणा सरकार गरीबों को नहीं देख रहा है, तो बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का फिर भी नहीं, वर्कर को नहीं देख रहा हरियाणा सरकार, नहीं देख रहा हरियाणा सरकार। आप कह रहे हैं मोदी जी कैसे बढ़िया है, फिर वही बात, जब केंद्र सरकार देगी, जब केंद्र सरकार देगी तभी राज्य सरकार बढ़ाएगी, ऐसे बढ़ा देगी राज्य सरकार। वो क्या है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो बुराई कर रहे हैं सारे, तो दुनिया करे हमसे क्या? महंगाई है, रोजगार नहीं है, फिर डंका काहे का बज रहा है? तो वेजेज उस समय कितना था जब सिलेंडर 400 था, मिनिमम वेजेज क्या था? 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, कहाँ मिले 15 लाख रुपए खाते, 430 का सिलेंडर था। नहीं नहीं, कहने की बात ये है, कुछ नहीं है मोदी सरकार में, ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, हाँ, उसने रोड रोड निकाले बिल्कुल, ठीक है, जो लेबर आदमी हम करते हैं उसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, नोट चलाता फिर बंदी कर देता, मरता हमारे जैसा, और कुछ नहीं मरता बस। नोटबंदी से काला धन तो आ रहा है? कुछ नहीं, हमारा क्या आ रहा है, हमारा कुछ नहीं आ रहा, अब मैं लेबर आदमी करता हूँ, ठीक है, 2000 रुपए की 4 दिन मैंने काम किया, मेरे पास 2000 में कापी छुट्टा करवाऊंगा उसको, बताइए भाई, ठीक है, लेबरों का हालत खराब है? हाँ बहुत खराब है, सरकार है। हाँ खट्टर सरकार, कुछ नहीं है, खट्टर ने सबको खट्टा कर दिया है, खट्टर ने सबको खट्टा कर दिया है। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा नहीं हो रहा? कुछ भरोसा नहीं है, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस में क्या अच्छा लगा? कांग्रेस में सब कुछ अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा? सब कुछ, खाओ और खाने दो। मोदी जी कहे ना खाऊंगा ना खाना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो कमा रहे वही निकलवा लेता है। नहीं देख रहे विदेश में डंका बजता मोदी जी का? हम कुछ नहीं जानते, मोदी वोदी कुछ नहीं आना चाहिए भाई। अच्छा, कौन आना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस में ठीक था? हाँ ठीक था। चलिए, आपके लिए कौन ठीक था? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों ठीक था? मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाओ। गरीबों को हटाओ कब का? और उनका कहना ही है ना, रहेगी ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी। तो मन की बात नहीं सुने आप? क्या मन की बात? वो अभी टीवी पर और दूसरा नेता कहता है मैं मन की बात आपके सामने करूंगा, वो कहते हैं मन की बात मैं रेडियो पे करूंगा, किसकी बात सुनूं? कौन कहता है कि मन की बात सामने सुनेंगे? राहुल गांधी बोलता है मन की बात मैं सामने सुनूंगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी कहते हैं मन की बात रेडियो पे सुनाऊंगा। बताइए, नहीं सुनाएंगे? ऐसे नहीं सुनाएंगे। आप लोग मन की बात सुने? 1000 एपिसोड हो गया। मैं सुना हूँ, 15 लाख रुपए बोले थे 2014 में सबको मिलेगा। मोदी जी मुझे 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरा मुझे आसमान नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन दे दो, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मुझे 15 रुपए दे दो, मेरी मजदूरी दे दो, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए। तो लोग अखंड भारत मांग रहे हैं। अखंड भारत कौन मांग रहा है? लोग मांग रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी ही दे पाएंगे। मोदी जी क्यों दे पाएंगे? हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए तो पहले बन जाता, अब हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे लोग। क्यों नहीं बना पाएंगे? जब संविधान में लिखा लोकतंत्र को, संविधान और लोकतंत्र को हटा करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो फिर भारत का क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब से कि पहले भी तो बनना चाहिए राम मंदिर, क्यों नहीं बना राम मंदिर? हिंदू मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, क्यों नहीं फैसला हो रहा? मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा। इनसे पूछिएगा रामलला का पहले सुनो, इनसे पूछो रामलला का मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खुलवाए थे। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
रामलला का मंदिर खुलवाया था, आज तो मंदिर क्यों नहीं बनवा पा? खाली रामलला हम जाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा? देखिए नहीं, मंदिर के नाम पे एक बात बताइए, यूपी में कितने दंगे हो रहे थे? आपका बच्चा पढ़ पाएगा पहले आप बताइएगा? मंदिर में घंटी बजाएगा बच्चा स्कूल जाएगा पहले आप ये बताइए? पॉइंट उन्होंने कहा कि दंगे वगैरह कम हुए हैं बीजेपी सरकार में, जैसे यूपी में योगी जी सरकार है वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं। सरकार है जो सत्ता में है वही दंगा कराता था, जो नहीं ऐसा क्यों नहीं, अब क्यों नहीं दंगा हो रहा? जो सत्ता में थे, जो सत्ता में है वो दंगा कराते थे, क्यों दंगा हो रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? रोज मर्डर हर जगह हो रहा है, छपरा से लेके मुगल सब देखिए। पहले भाई पूछिए कि पहले बिहार के यूपी के पूछो, पहले से यूपी से उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश में इसी, हाँ चंद्रशेखर आजाद जिले का हूँ, पंडित चंद्रशेखर आजाद जिले का हूँ। अरे वो ठीक है, ठीक है। जब अखिलेश सरकार था पहले, अखिलेश सरकार था, क्या हुआ था? ट्रेन आ रहा है उसे पत्थर मार रहा है, वो अभी नहीं रुको, ट्रेन आ रहा है उसे पत्थर मार रहा है, वो आ रहा है उसे पत्थर मार रहा है, अभी क्या हो रहा है? यूपी में हो रहा है, बालासोर में तीन ट्रेनें पलटी हैं, क्यों नहीं रेल मंत्री का इस्तीफा दिला दिया? आप लोग बीजेपी के बड़े भक्त बनते हो, जो हुआ नहीं इस्तीफा दिला, इस्तीफा दिला, इस्तीफा। हजारों करोड़ लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं, उनमें खाली 230 लोगों का नाम आया जिनको 10-10 लाख मिलेगा। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, हादसा हुआ उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ दे दिया था, अपना मन दे दिया था, बीजेपी के नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? देना नहीं चाहिए, तो बात की बात है, क्या मंथन क्या है नहीं है, चल रहा है, चल रहा। विपक्ष मोदी को रोक पाएंगे? नहीं को रोक पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, रेल हादसा हुआ था, नंगे पैर और चड्डी बनियान में दिल्ली से भागते हुए रेल हादसा देखने गए, उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। वैसा रेल मंत्री देश का होना चाहिए। बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा आपने, कितने मुकदमे लगे, अभी इस्तीफा नहीं दिया, नहीं दिया। ये जनता राज है या लोकतंत्र है या संविधान है, राजतंत्र है, आप ये बता दीजिए हमको, ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? मोदी जी लोकतंत्र में इस्तीफा तुरंत होता है, लोकतंत्र की खूब बात करते हैं। लोकतंत्र में इस्तीफा होता है, राजतंत्र में इस्तीफा नहीं होता है। हाँ, राजतंत्र में मनमानी होती, जो चाहूंगा वही होगा। ये संकित आना राजतंत्र थोड़ी है, ये राजतंत्र तो है ही है। जो 6-6 बार का विधायक सांसद है और उस पर मुकदमे लगे 84-84, उस पर मुकदमा जेल क्यों नहीं जाता है? कैसा है मोदी जी? मोदी जी एक नंबर है, एक नंबर में तो उनकी कोई कमी नहीं है। अब बेशक कोई बुरा कहे भला करे उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ किसके मन की क्या बात है। क्या मोदी में अच्छा लगा? मोदी में देखिए नियम कानून समझे कि नहीं, सबको फ्री राशन अभी मिल ही रहा है समझे कि नहीं, बच्चे पढ़ने जा ही रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहे हैं समझे। अब हमारे चीन से ज़्यादा आबादी हमारे इंडिया का हो गई है समझे कि नहीं, इंडिया के सबसे ज़्यादा चीन की आबादी हो गई है। अब इस आबादी को रोकने के लिए धीरे धीरे मतलब उसका क्या नाम है, मोदी जी का दो चार काम अच्छा बताइए आप। मोदी जी का काम तो सारा कुछ देखिए, सुनिए सुनिए, 15 लाख रुपए इनके खाते में है तभी मोदी जी का नाम ले रहे ना। कोई ना कोई 15 लाख देगा ना 15 लाख हम पाए। 430 वाला सिलेंडर ना चाहिए, 1200 वाला सिलेंडर चाहिए, 1200 वाला। सुनिए, 2000 रुपया हम लोग, जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, उनको 100 वाला पेट्रोल पसंद, 60 वाला नहीं पसंद है। 5 कट्ठा सुनिए, 5 कट्ठा जमीन है, 2000 रुपए महीना मिलता है, 2 कट्ठा जमीन खरीद लो 2000 रुपए मिलेगा। दो चार काम बताइए, रुकिए भाई साहब ने क्या कहा, 2000 रुपए महीने किसान का मिल रहा है, 3 महीने पहले बात सुनो मिल रहा है भाई। हाँ मोदी जी का दो चार काम बताइए, 2000 वाला हो गया, सब काम हो गया है, सब सही चल रहा, सब सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, रोजगार नहीं है, महंगाई हो गया, मिल रहा है महाराज, सारा मिल रहा है, महंगाई तो है। अब बताइए थोड़ा, ये बताइए, ये बताइए, आटा नहीं मारोगे तो रोटी मिलेगी? हाँ युवा काम नहीं करना चाह रहे? नहीं, युवा काम कर रहे हैं थोड़ा, इस समय काम बरसात के सीजन में थोड़ा काम कम हो जाता है, तो ये लोग कोई ऐसा थप्पड़ी बजाता है, कोई ऐसा था, किसको किसको क्या कहो, रोजगार का बरसात से क्या लेना देना है? रोजगार तो ठीक चल रहा है, रोजगार ठीक चल रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना परिवार पाल पाएंगे? 8 घंटे की ड्यूटी भाई परिवार पाल जाएगा? हम लोग देखो, हम लोग उसी से, हमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई हो भी जाए तो लेकिन मोदी जी को झेल लेंगे, देश हित में। हाँ देश हित में मोदी चाहिए क्या? लेकिन मोदी जी का नाम मरते दम तक सांस से हटाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? ये मोदी जी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त है, लोक की सरकार है, अंधभक्त क्या, अंधभक्त मतलब मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे हम। एक सिलेंडर भरवाने जाइए तो 100 का लाइन लगता था कांग्रेस के सरकार में, अब घर घर पहुंच रहा है सिलेंडर। 44 जवान मारे गए थे तब 2019 का चुनाव लड़े थे, करेगा राष्ट्रवाद में चुनाव जीतूंगा, 44 जवान मारे गए थे, 320 किलो RDS आपकी सरकार है, आपने क्यों जाने दिया? राष्ट्रवादी पार्टी आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, बीजेपी राष्ट्रवादी है ही ना है। कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवाद कांग्रेस थी, हाँ उसे बताते परिवारवाद, मैं कहता हूँ बीजेपी का थी परिवारवाद नहीं, बीजेपी में देख लो कितने बेटा पुत्र परिवारवाद के हैं, देखो
कांग्रेस चोर है, खुलेआम कहता हूँ, चोर है तो चोर है। क्या चीज चोर? ये मोदी मोदी क्यों कर रहे हो? कांग्रेस की देन है। आज जो हम यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे हैं कांग्रेस की देन है। अगर वो उसके नेता चोरी नहीं करते ना तो आज हम ये बताइए हालत नहीं होता। 9 साल से बीजेपी और आप कह रहे हैं कांग्रेस की, ये तो जाहिल वाली बात हो गई कि महंगाई बढ़ गई तो नेहरू की महंगाई बढ़ गई। धीरे धीरे जो नेहरू ने महंगा होगा, जो राजनीति को समझता है वो अभी ये क्या लॉजिक आने दो। अभी रोजगार, अरे रुक जाओ, अभी रोजगार आपको नहीं मिला, इसमें कांग्रेस की देन, ये कैसे लॉजिक क्या है इसका? क्या रोजगार? रोजगार हमें तो मिल रहा है बढ़िया से। अभी तो आप कह गए अभी रोजगार नहीं मिला तो कांग्रेस इसका साल है और हम 26,000 रुपया 8 घंटे के ले रहे हैं, अब इससे हमें क्या चाहिए? सर आपको कितना मिल रहा है? हमको 11,187 मिल रहा। जिस जगह में रोजगार कर रहे हैं वो जगह का रोजगार कौन सरकार लाया था? ये इंडस्ट्रीज कौन सरकार में आया? कौन सरकार में आया इंडस्ट्रीज? ये इंडस्ट्रीज सरकार में, ये इंडस्ट्रीज कांग्रेस सरकार में आया। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला लाने वाला इंडस्ट्रीज।